बायतू के गिड़ा क्षेत्र में इन दिनों सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के हालात बदहाल है। सड़कों के बदहाल होने के कारण ग्रामीणों के हाल परेशानी में है। बायतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। बायतू के गिड़ा क्षेत्र में इन दिनों सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सड़कें बनाने के बाद उसको लेकर रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि खोकसर पश्चिम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2009 में उक्त सड़क का निर्माण, जिसकी आठ दिन तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई। करीबन 8-9 साल प्रधानमंत्री योजना से बनी थी, उसके बाद इस पर कोई भी पेश वर्क नहीं किया गया। आज जगह जगह गड्ढे हो रखे और यही हाल है इस सरकार में। पूरी सारी रोड जहाँ पे आती है, जैसे खारडा भारत सिंह है, तो ये चाबा जाने वाली है या मानासर जाने वाली है, सारी सभी रोडों की यही हाल है। एडवोकेट चूनाराम जाखड़ का कहना है कि सड़क पर वाहन तो क्या, अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण बहुत परेशान है। जवाराम बेरड़ भानाराम दीने खान ने बताया कि इस सड़क को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस सड़क को बनी को 9 साल बीत जाने पर भी एक बार भी इस सड़क को मरम्मत भी नसीब नहीं हुई। कई बार शिकायतें की मगर आठ दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क खोकसर पश्चिम में मानासर फलसूंड जैसलमेर को जोड़ती है और बड़ी संख्या में वाहनों का आना जाना रहता है। उन्होंने शीघ्र ही सड़क रिपेयरिंग करवाने की मांग की।